फ्रेंडशिप, हम दोनों बी फ्रेंडशिप, वी शुड टू बी फ्रेंडशिप विद ईच अदर, हम एक दूसरे से मोहब्बत दोस्त बन सकते हैं। फिर होते होते बातें चैटिंग में बातें मिलने तक पहुंच जाती और फिर वो खतरनाक रास्ता इख्तियार कर लेता। कुरान ने कहा वला तक़रबु ज़िना इन्नहू काना फाहिशा, क्या आदमी हो। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise and thanks are Allah, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exists. You honor only the ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help, each and everything guide us to the right path, to the straight way. All praise be to Allah and cherish us the sustainer of the worlds. And may the blessings and peace be upon the Master of Prophets, on all of his companions. विचरण सुना चुना है न प्रतिम गति तत्लिंग चिथो ऐश्वर्य पूर्ण विता पुरुषम दीपयंति प्रज्ञा च कोलम च दम श्रोतम च प्राकर्मश्य बहु भाषिता च चतुर्भिर् भ्रातृभिर् देव करिष्यामि कलिक्ष्यम् भविष्यान्ति युगस्यान्ति क्षेत्रीय लोक कंटक अर्थक्षणो लुब्धा समान अहंकार वर्धिता यात युगम भोगम देवा स्वयं शावतरने रतः यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो वेद पुराण संत मत भागो तबलब जो सुंदरम चाहे कोई बिना मोहम्मद पार न कोई ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गिरामे कद्र सामने कराम पूरी रात गुजर चुकी है, अक्सर हिस्सा रात का गुजर चुका, कबूलियत की घड़ी की शुरुआत है।
मुमकिन और बेहतर यह है कि इस वक्त में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औसाफ कमालात आप अलैहि सलाम से मोहब्बत और उल्फत की बात की जाए। हमसे कहा गया इशारतन कि ज्यादा से ज्यादा संस्कृत वेद मंत्र श्लोक पढ़े जाए। उनका एक तकाजा था मगर मैं बेहतर समझता हूं कि मंत्र श्लोक वहां पर पढ़े जाने चाहिए जहां पर हमारे सनातन धर्मी हजरत नूह अलैहि सलाम की भट्टी हुई कौम हिंदू भाइयों का तबका मौजूद हो, उनको सुनाकर उनको बताया जाए कि हम मुसलमान कुरान के अंदर जिन बातों को मानते हैं वही बातें आपके ग्रंथ के अंदर मौजूद हो, और वो रियल भी हकीकत भी यही है कि हजरत नूह अलैहि सलाम की गुमराह भटकी हुई कौम है जिनकी रहनुमाई और जिनकी रहबरी आज तक नहीं हो पाई, गलत लोगों के हाथ पे चढ़ गए वो। वरना आप तहकीक कीजिएगा, आप पुरानी किताबें ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकईतन हजरत नूह अलैहि सलाम के भक्ति ही वे कौम। जैसे हम अपने आखिरी नबी को अपना मॉडल मानते हैं, आखिरी नबी को सब कुछ तस्लीम करते हैं अमल के एतबार से, ऐसे ही हिंदू धर्म के अंदर भी उनके महाजल पलवान वाले मनु को वो सब कुछ समझते हैं। 14 मनु उस धर्म में आएंगे, उनमें से 7वें मनु का ये जमाना है। जैसे हम अपने नबी की सीरत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की पूरी कोशिश करते हैं, ऐसे ही हिंदू भाई भी मनुस्मृति महाजल पलवान वाले की ग्रंथ लिखी हुई वो उस पर एतकाद रखते हैं। तो इसीलिए वहां पर ज्यादा जरूरत हो जाती है कि हम उन्हें समझाएं कि हम एक अल्लाह को मानते हैं तो आपके यहाँ भी एक ईश्वर का वजूद है, हम नमाज पढ़ते हैं तो आपके यहाँ भी नमाज का ऑर्डर है, प्रथमा दारका जीवा दियो दिन मुझे ते ते त्यानं को दराकार ने चतुर पर दे चंदर का अनचम बिंदु समझता। इसका एक्सप्लेन करेंगे तो बिल्कुल सेम वही मतलब निकलता है जो मतलब सल्लू रहे तिमुनी कमा उसल्ली मोहम्मद अलैहि सलाम को जो तरीका जिब्राइल ने बताया था सेम वही तरीका और आपकी पूरी नमाज का तारुफ इस मंत्र के अंदर कराया है। लोग हज के लिए जाते हैं, हिंदू धर्म के अंदर भी तीर्थ यात्रा में लोग जाते हैं और इनसे सिमिलरिटी क्या है, हम हज में जाते हैं तो एहराम बांध कर दो कपड़े पहनते बिना सिले। हिंदू धर्म के अंदर भी जब तीर्थ यात्रा में लोग जाते हैं तो वो भी दो ही कपड़े पहनते हैं, तो गेरवे रंग का कपड़ा होता है जो सिला हुआ नहीं होता। आज की तारीख में वो कपड़ा चड्डी पर बनियान से बदल गया। हम हज में जाते हैं तो दो फीते वाला चप्पल पहनते हैं, वो लोग भी वही सिंपल चप्पल पहनते हैं। हज में जाते हैं तो हलक करवाते हैं, सर के बाल छोटे करवाते हैं। हिंदू लोग भी अगर जाते हैं तीर्थ यात्रा में तो वो अपने सर के बाल मुड़वाते हैं। सिमिलरिटी, हम रोजा रखते हैं तो वो व्रत रखते हैं, उनकी औरतें व्रत रखती हैं।
भले ही 24 घंटे का वर्क हो, आटे चावल की कोई चीज नहीं खाते हैं, बाकी फ्रूट्स और एनर्जेटिक चीज मिल्क दूध वगैरह वो पी सकते हैं, सेब वगैरह खा सकते हैं, लेकिन कितनी बार भूख का वजूद है क्योंकि बार इतना संयम नमाज का कुछ ना कुछ बिगड़ी ही शक्ल तो है उनके अंदर। ऐसे ही हम लोग हमारा कुरान ज़कात का ऑर्डर करता है हिंदू धर्म के अंदर, दान का वजूद आदमी भव्य राम मंदिर निर्माण की बात आई तो मिनटों के अंदर 11 अरब रुपए उन्होंने दान किए हिंदुओं उसको बनाने के, मतलब ज़कात की बिगड़ी हुई शक्ल वहां पर मौजूद है। इसीलिए उस वक्त ज्यादा मुफीद और कारआमद हो सकता है जब हमारी हिंदू भाइयों की बड़ी तादाद मौजूद हो, लेकिन यहाँ तो 2:30 बजे का वक्त मिलता, इस वक्त तो इंसान को इंसान शायद फरिश्तों को भी नहीं आने लगती। एक ऐसी घड़ी होती है 2 बजे के बाद बहुत ज्यादा नींद आती, आप इस वक्त नींद को कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर फिर भी आप लोग हैं दिल जमीन के साथ बैठे हुए, तो मैं 1.25 घंटे के अंदर 15-20 मिनट तो गुजर चुके, 40-45 मिनट बात करके हम अपनी बात खत्म करेंगे। हमारी थोड़ी आदत भी नहीं है 1 बजे के बाद ज्यादा देर तक बात करने की, हाँ अगर सामईन की तवज्जो करवा दे तो अलग बात। हमने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है और उसी के ताल्लुक से अहादीस मुबारक का एक बल्कि पूरी हदीस मैंने तिलावत आप लोगों के सामने की, उसका ताल्लुक मोहब्बत से। इंसान इस धरती पर 3 ही वजह से किसी से मोहब्बत करता, एक तो हुस्न है, अगर कोई चीज खूबसूरत है, अगर कोई चीज अच्छी है तो आदमी उससे उसका दीवाना हो जाता कि नहीं ये चीज अच्छी है मुझे चाहिए, मुझे ये बाइक खरीदनी है तो खरीदनी, I have decided to buy this bike because it's very beautiful and are cute, I like the most, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे चल उसकी खूबसूरती इसको मायल करती है। मोबाइल है भाई खूबसूरत है ले लेते हैं, जैसे आपके जलसे के अंदर बिहार की धरती से बिलोंग करने वाला लेकिन इनकी शहरियत नेशनलिटी हो गई है लखनऊ, फैशल लसीदी, मेरे पास एक मोबाइल आया, इन्होंने कहा कि हजरत ये मोबाइल मुझे चाहिए, हमने कहा ले लो तो शायद ये मोबाइल आज लेने वाले हमसे, हमने कहा तुम्हें क्यों चाहिए, बोला कि बहुत खूबसूरत है, बहुत क्यूट है, ये बात बनी भी नहीं है, ये एग्जैक्टली इट हैपेंड विद मी एंड विद अस, हमारे साथ ऐसा हुआ, ये पूरे पटना से लेकर के अररिया तक उसको देखता छेड़ता हुआ आया, कैन आई लाइक मोस्ट, मुझे बहुत पसंद है हजरत मुझे मोबाइल चाहिए, वो मोबाइल मेरे पास से बहुत छोटा सा है, ये होगा तो ये खूबसूरत उसको ये मोबाइल का सेट लगा तो उसको भाग गया कि मुझे मोबाइल लेना। कोई भी चीज है आपको जब पसंद आ जाती है उसकी हुस्न की वजह से उसकी खूबसूरती की वजह से तो उसको पसंद करते हैं, उसको लेने की कोशिश करते हैं और ऑटोमेटिकली उससे मोहब्बत हो जाती है। इस दुनिया में इंसान या तो खूबसूरती की वजह से मानूस हो जाता मोहब्बत करने लगता, और आज की तारीख में तो हमारे नौजवान ऐसे लड़की कोई भी सड़क पर दिख जाए उसके पीछे पड़ जाएंगे, और कोई पूछता है उसका साथी कि क्यों, वो कहता है कि मैं इससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। अरे पागल, सच्ची मोहब्बत किसी भी इंसान से नहीं हो सकती, उसके हकीकी मोहब्बत हकीकी अगर किसी जात से हो सकती है तो अल्लाह तबारक व तआला की जात, और किसी से हकीकी मोहब्बत द रियल लव द ट्रूथ ऑफ लव किसी के साथ हो सकती है तो अल्लाह की जात है और मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत और सुन्नत से हो सकती है। किसी औरत के पीछे आप भागते हो या किसी दुनिया की आरजी चीज की खूबसूरती के पीछे आप भागते हैं, वो आरजी है, वो खत्म हो जाए, उसका कोई रियलिटी नहीं है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। मोहब्बत आप
करते हैं, थोड़ी सी खूबसूरती देखी और पीछे पड़ जाते हैं, उसको हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, भाग जाते हैं आप गांव समाज से निशानाता तोड़ कर, तहजीब कल्चर के सीने को चार करके आप अररिया या पूर्णिया पहुंचते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते, शादी कर लेते, ऐसा बहुत कम होता, लेकिन उससे पहले समाज की किसी बेटी पर आपकी नापाक निगाह पड़ती है तो आप उसकी इज्जत के साथ खेलना चाहते हैं। आपका सिर्फ एक टारगेट होता है, एक मिशन मकसद होता, हम किसी तरीके से इसके साथ संबंध में आ जाए, हम किसी इसी तरह से इसके साथ लिव इन रिलेशन में आ जाए। पता है कितना खूबसूरत नाम दिया है, नाजायज रिश्ते का दूसरा नाम लिव इन रिलेशन। ये दुनिया के अंदर फैशन फर्स्ट लोग अपनी मर्जी से लड़का और लड़की रहें, अय्याशी करें, डेली जिना के अंदर अपनी जिंदगी गुजारे, उसको कहा जाता है लिव इन रिलेशन। हम लोग लिविंग में थे, बहुत जमाने से लिविंग में थे, मतलब हम लोगों के नाजायज ताल्लुकात थे। इस्लाम के अंदर इसकी कोई परमिशन नहीं, इस्लाम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं। ये तरह से बुराई है, एक तरफ से आप कहते हैं कि जिना को खत्म करें, जानी को तहत पढ़ते मिलनी चाहिए, और एक तरफ से आप कह रहे हैं कि जो लोग जिना करते हैं उसको छूट दे दीजिए, लिव इन रिलेशन। जिना करते हैं, लिव इन रिलेशन में रहते हैं, वादा हुआ कि मैं तुझसे शादी करूंगा, एक दूसरे के साथ रहने लगे लंबे अरसे तक, लेकिन कुछ दिनों के बाद झगड़ा हो गया, लड़का अपना रास्ता, लड़की कहती कि तूने मुझे धोखा दिया, अब तुझ पर रेप चार्ज करके जेल के अंदर डालो। पहले तो शुरुआत ही गलत थी, अब लड़की ने मजबूर, लड़के ने धोखा दिया, तो वो लड़की कहती है कि अब तुम पर जिना के चार्ज लगाओ। अरे कुरान के जाब्ते को देखो, कुरान ने कहा वला तक्रबु जिना इन्नहू काना फाहिशा, कि जिना बड़ी गंदी चीज है, बहुत खराब चीज है, इसके करीब भी मत जाओ। और जिना के करीब जाने और जिना जैसे संगीन वारदात को अंजाम देने का जरिया कौन? मेरे नौजवानों, आपके मोबाइल में फेसबुक, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप, ट्विटर, आपके मोबाइल में नए नए नंबर पर चैटिंग करना, टिकटॉक, न जाने कितने सारे फंक्शन एप्स हैं कि वो सारे जिना के मौके फराहम करते हैं। आप किसी अनजान किसी का नंबर आपने हासिल किया, आप फौरन कहते हैं, कुछ मैसेज करते हैं, दो तीन दिन के बाद रिप्लाई आता है, कॉल बैक होता है, आप कहते हैं कि आई वांट टू मेक यू, आई एम विद यू द फ्रेंडशिप ओनली।